आप सभी क्षेत्रवासियों को और ब्राह्मण समाज सेवा संस्था के द्वारा सर्व समाज को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सभी सर्व समाज के लोगों को और सभी क्षेत्रवासियों से मैं कहना चाहता हूँ कि 22 तारीख को रक्षाबंधन है और पूर्णिमा है, तो आप लोग रक्षाबंधन मनाएं, खूब उत्साह से मनाएं, लेकिन कोरोना को देखते हुए दूरी बना करके लोगों के साथ मिले और जो राखी आप बंधवाएं वो हमारे स्वदेशी हो, हमारे देश में बनी हो, उसको अपनाएं। बाहर विदेशी चाइनीज वगैरह ना अपनाएं। और कोरोना अभी गया नहीं है, कोरोना अभी चल रहा है। हम सभी क्षेत्रवासियों को और सर्व समाज के लोगों से अपील कर रहा हूँ कि आप लोगों से मेरा निवेदन है, मेरा विनती है कि आप लोग कोरोना को देखते हुए रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएं। रक्षाबंधन का त्यौहार साल में एक बार आता है और भाई बहनों का अटूट रिश्ता का जो त्यौहार है, उस त्यौहार को अटूट रिश्ते के साथ मनाएं। सब मनाएं आप लोग, सब आप लोग खुशहाली से मनाएं। लेकिन फिर मैं बार बार कहना चाहता हूं कि एक तो स्वदेशी राखी अपनाएं, दूसरा कोरोना से बचते हुए लोगों से साथ दूरी बनाते हुए, मास्क लगाते हुए और हाथ को धोते हुए आप लोग बराबर रहें। किसी से भी मिले तो हाथ धोएं, हाथ को सैनिटाइज करें और आपस में भाईचारा बनाएं। और सर्व समाज को बहुत बहुत बधाई देता हूं मैं कि सर्व समाज रक्षाबंधन धूमधाम से मनाएं। जय हिंद, जय भारत।